देश के हर छोटे बड़े दुकानदार स्टोर मालिक को बिग ब्लिस देता है, खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। कपास के दाम पिछले कुछ दिनों से 10,000 के पार रहने से अब तक महाराष्ट्र के वरोरा के कपास संकलन केंद्र में कपास की आवक बढ़ गई है। देखा जाए तो 31 जनवरी को कपास के दाम 10,100 रुपये, 1 फरवरी को 10,151 रुपये और 2 फरवरी को 10,150 रुपये प्रति क्विंटल थे। दाम बेहतर मिलने की वजह से संकलन केंद्र में कपास की आवक बढ़ गई है। 2 फरवरी को वरोरा के कपास संकलन केंद्र में कुल 3642.18 क्विंटल कपास की आवक हुई थी। इससे पूर्व 1 फरवरी को 3829.29 क्विंटल कपास और 31 जनवरी को कुल 2978.95 क्विंटल कपास की आवक हुई थी। इससे स्पष्ट होता है कि किसानों को कपास के दाम बढ़ने का इंतजार था। देश भर में कपास की आवकों में तेजी देखने को मिल रही है। इस बार किसानों को कपास के दाम काफी अच्छे मिल रहे हैं, जिससे कीमतों में उछाल जारी है। ज्यादा कीमत मिलने के चलते मंडियों में कपास की आवकों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अक्टूबर 2021 से 1 फरवरी 2022 तक कपास की आवकों में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले लगभग 36% का उछाल देखने को मिला है। वहीं बात करें अगर कपास के बीजों की, तो कपास के बीजों की आवकें 56% कम रही हैं। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।